Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। अति उत्तम बात बा, अति उत्तम। सनातन धर्म में तो हवन पूजन का बहुत बड़ा महत्व मानल जाला। का बताई पंडित जी, कुछ दिन पहले तो घर के माहौल बहुत शांत रहे, बाकी बुझाता कुछ दिन से घर के कुछ आदमी के नजर लग गई। उहे नजर से बचावे खातिर घर में हवन पूजन के विचार चल रहल बा, ताकि घर के लगल कुल अलाय बलाय दूर भाग जाए। हवन पूजन तो यही खातिर करल जाला, निश्चिंत रही रहुआ लोग। ऐसा हवन होई कि घर के देवी देवता कुल जाग जाए हैं और भूत प्रेत अलाय बलाय सब भाग जाए। अच्छा, हवन पे बैठी के शास्त्र में लिखल गईल बा कि जे भी जोड़ा में पूजा पे बैठेला ओके पूजा का दुगुना फल मिलेला। हमरे विचार से आलोक बाबू और उनकर पत्नी अगर बैठी हैं तो बहुत अच्छा रहे। पंडित जी, पूजा में के बैठी ये हम रउआ के बाद में बता देते, लेकिन आलोक और जानकी तो ना बैठी। जी, हवन में के बैठी के ना बैठी ये रउआ लोगन की आपन मर्जी बा। बाकी ही बैठी था। पंडित जी, पूजा में हमार भौजी बैठी। हमार भौजी बैठी। बाकी ई लोग तो बाड़ी, ई लोग तो बाड़ी ताली और थाली बजा रहे थे। अरे बुआ दादी, तो सबके पता बा कि जब घरे में पूजा होवेला तो सब लोग आवेलन, और हम तो कई बार पंडित जी से भी सुनले बनी कि पूजा तबे सफल ना होवेला जब घर के सब लोग आवेलन। पूजा तब सफल होवेला जब सब लोग खुशी खुशी आवेलन। और भगवान भी खुश हो जालन। ठीक कहा तारू बेटी, तू तो बड़ा समझदार बाड़ी। जब घर के कुल सदस्य सच्चा मन से भगवान का ध्यान करेला तब भी भगवान खुश हो जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करी और देखी कुल एपिसोड एकदम फ्री।